नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत आखिर कैसे हुई? क्या वाकई ये एक प्राकृतिक मृत्यु थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इस सवाल का जवाब मिलना और भी मुश्किल तब हो गया जब सोनाली की मौत की वजह तो हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उनके शरीर पर धारदार चोट के निशान मिले हैं। गोवा में टिकटॉक स्टार की मौत के बाद से ही उनके परिवार वाले ये शक जता रहे थे कि सोनाली की हत्या की गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सोनाली फोगाट के ही दो सहयोगियों को इस मामले में अहम संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि गोवा पुलिस के मुताबिक ये कहा गया है कि जब सोनाली फोगाट के शरीर की जांच की गई तो महिला पुलिस अधिकारियों को इस तरह की चोट के कोई निशान नहीं मिले थे, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर शक की सुई सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर आकर टिक गई है। सोनाली फोगाट ने 22 अगस्त को सांगवान और वासी के साथ गोवा पहुंचकर अंजुना के एक होटल में चेक इन किया। अगले दिन उन्हें मृत अवस्था में सेंट एंथनी अस्पताल लाया गया। शुरुआत में डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। हालांकि जब सोनाली के परिवार ने मौत से पहले हुई बातचीत के बारे में बताया तो भाजपा नेता की मौत की वजह को लेकर गुत्थी उलझ गई। मेरी कल दीदी से बात हुई थी, शाम को 9 बजे के करीब उनका फ़ोन आया था मेरे पास। तो जैसे सिंपल कॉल आई थी पहले, तो बोली कि मेरे ना व्हाट्सएप पे बात कर, मेरे को व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। मैं ठीक है, फिर मैंने फ़ोन मिलाया, मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो बोली ठीक है माँ, हाँ ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद फिर यूँ बोली कि मेरे साथ है ना कुछ गलत हो रहा है क्या, मैंने यूँ लगा बोली मैं ठीक हो नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है क्या। तो मक्की बात होगी ऐसी, तो जब भी आवाज़ सुनाई थी किसी के कमरे में आन की, यूँ कोई जेंट्स जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोली कि मैं ना आके बात करूँगी तेरों का, मक्की बात होगी बता तो दे, बोली ना आके बात हो तो करूँगी, आके बताऊँगी इतना। फिर उस टाइम फिर मैंने भी यूँ सोचा खाना का टाइम ज़्यादा ही हो गया तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम में, चलो ठीक है। फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने अंजुना पुलिस को अपनी औपचारिक शिकायत में सोनाली के दो सहयोगियों को उसकी कथित हत्या के लिए नामित किया। ढाका ने गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि फोगाट के पीए सांगवान और उनके सहयोगी सुखविंदर एक आपत्तिजनक वीडियो के साथ नेता को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि फोगाट को कुछ नशीला पदार्थ पिलाने और उसके साथ रेप करने के बाद वीडियो बनाया गया था। अपनी शिकायत में सोनाली के भाई ने ये भी बताया कि जब सोनाली ने अपनी बहन से बात की थी तो बताया था कि एक बार सुधीर ने उसे खीर परोसी थी जो मजेदार थी, और बाद में उसे बेचैनी होने लगी और वो होश खो बैठी। उनको बिल्कुल डराया गया था, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और नशीला पदार्थ दिया हुआ। उसने बोला कि मुझे खाने में कुछ दिया गया है जिससे मेरे हाथ पैर सुन्न होए जा रहे हैं और मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ रहे हैं, जिससे उसको बेचैनी और घबराहट हो रही थी। कोई पीछा कर रहा था, कोई कर रहा था जो उसका वहाँ से जब यहाँ पे गोवा तक पीछा कौन कर रहा था? जो जिन्होंने मर्डर किया वो साथ में थे। हम मोदी जी के पास भी जाने की सोच रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता थी और अपनी पार्टी के प्रति पूरी समर्पित थी 15 साल से सेवा कर। तो मेरी प्रार्थना है सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और उनके वरिष्ठ नेताओं से कि मेरी मदद की जाए और मेरी बहन सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल सके। सोनाली के भाई ने यह आरोप लगाया कि सुधीर का पिछले साल भाजपा नेता के घर हुई चोरी में शामिल होने का संदेह था। उन्होंने ये भी कहा कि सोनाली के निधन की सूचना मिलने से कुछ घंटे पहले फोगाट ने अपने परिवार को फोन कर सुखविंदर पर शक जाहिर किया था। ढाका ने दावा किया कि सोनाली ने परिवार से बातचीत में ये कहा था कि सुखविंदर और सुधीर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ढाका ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर के दावे के अनुसार गोवा में कोई शूटिंग थी ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सोनाली की संपत्ति पर नियंत्रण करने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश थी। ढाका ने यह भी कहा कि सोनाली के निधन की जानकारी देने के बाद सुधीर ने अपना फोन बंद कर दिया और भाग गया ताकि उसके बारे में किसी को पता ना लगे। सोनाली के भाई ने कहा कि हमने उसे उन लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी, उसे हिसार लौटने के लिए कहा था। जब हम अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास आ गए तो उन्होंने उसे वहीं रखा और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।
हम प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील कर रहे हैं कि कृपया हस्तक्षेप करें और मेरी बहन को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। वो 15 साल से भाजपा के साथ है, उन्होंने पार्टी के लिए अथक प्रयास किया। अगर गोवा में सही तरीके से जांच नहीं हुई तो हम दिल्ली के एम्स में नए सिरे से पोस्टमार्टम कराने की मांग करेंगे। फिलहाल मामले को लेकर अंजुना पुलिस स्टेशन में धारा 302 हत्या के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फोगाट साल 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी और आगे चलकर पार्टी के लिए बाजीगर बनी। चुनाव हार कर भी उनकी वजह से भाजपा को फायदा हुआ। पार्टी ने उन्हें हिसार जिले की आदमपुर सीट से चुनाव लड़ाया था। भाजपा ने फोगाट को सूबे यानी हरियाणा के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मैदान में उतारा। हालांकि तब वो कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। साल 2016 में हिसार के एक फार्म हाउस पर सोनाली के पति संजय की मौत हुई थी। उनकी मौत कैसे हुई इसकी जानकारी आज तक सामने नहीं आ पाई। अब सोनाली की मौत को लेकर भी कुछ ऐसे ही सवाल सामने आ रहे हैं। उनकी मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। हालांकि फिलहाल गोवा पुलिस जांच कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।